बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बीआईएस कंपनी के गार्डों ने 10 महीने से वेतन न मिलने पर जिला अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में गार्ड राकेश सिंह ने बताया कि हम लोग बीआईएस कंपनी के गार्ड हैं तथा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गार्ड की नौकरी करते हैं। 10 महीनों से हम लोगों का वेतन नहीं मिला है, जिससे हम लोगों को जीवन व्यापन करने में बहुत समस्या होती है। उन्होंने बताया कि हम लोग बीआईएस कंपनी के पास गए तो उन लोगों ने कहा कि मेडिकल कॉलेज से हम लोगों के पास फंड नहीं आया है, जब फंड आएगा तो वेतन दिया जाएगा, जिससे हम लोग बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पास गए तो उन्होंने बताया कि अभी शासन से बजट नहीं आया है। उन्होंने कहा, हमारी मांग है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज को निर्देश कर फंड जारी करवाने का कष्ट करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बीआईएस कंपनी के गार्ड राकेश सिंह ने कहा, राकेश सिंह सर, हम लोगों को लमसम 9-10 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, तो आप किसी कंपनी से अटैच होंगे ना? बीआईएस कंपनी होगी आप लोगों को? बीआईएस कंपनी से। बीआईएस से पैसा मांगने गए आप लोग? कई बार मांगे हैं सर हम लोग पैसा, कह रहे हैं कि आज मिलेगा कल मिलेगा, अभी थी वो नहीं है, बजट नहीं है। हम लोग कटता आप लोग का? हाँ, पीएफ कटता है। अभी रिफंड हुआ? अभी तो रिफंड नहीं हुआ। कितने दिन से काम कर रहे हैं? कम डेढ़ से दो साल हुआ। इसकी शिकायत कितने कितने आप लोगों ने किया? हम लोग वहाँ मुख्यमंत्री आवास तक भी गए हैं, मंदिर तक, डीएम साहब के यहाँ भी मिले हैं। क्या कहा आश्वासन मिल रहा है केवल? अभी क्या मांगे हैं आप लोग? वही सैलरी हम लोग को मिल जाए सर।